दोस्तों, जब कभी हम एक्सेल सीट में काम करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी ज़रूरतें हमको आ जाती हैं कि हम एक सीट से डेटा को दूसरे सीट पे ले जाना चाहते हैं, और वो भी बिना कॉपी पेस्ट के। ऐसी कंडीशन में और साथ में हम ये भी चाहते हैं दोस्तों कि जो पहली सीट से जिस सीट से हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और उसमें अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो दूसरी सीट में भी ऑटोमेटिक तरीके से चेंज हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एक सीट से डाटा को दूसरी सीट पर ले जा सकते हैं, वो भी बिना कॉपी पेस्ट के। और साथ ही साथ अगर आप जो था प्राइमरी सीट पे अगर कोई चेंजेस भी करते हैं तो उस सीट में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सीट है जिसमें मैंने कुछ डेटा बना के रखा हुआ है जो कि सीट नंबर 1 पे है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस सीट के डेटा को जो है उसको मैं सीट नंबर 2 में ले जाना चाहता हूँ, तो आप अगर जिस सीट में आपको ले जाना है आप उस सीट को सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मुझे यहाँ 2 नंबर सीट पर लेके जाके इस डेटा को रखना है तो मैं यहाँ सीट नंबर 2 में चला चला जाऊँगा। सीट नंबर 2 में चले जाने के बाद दोस्तों आपको जिस सेल में रखना है डेटा उस सेल को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से कीबोर्ड से अपने इक्वल टू प्रेस कर देना है, इक्वल टू, और फिर जिस सीट से आपको डेटा लेना है उस सीट में आपको चले जाना है। जैसे मेरा डेटा सीट नंबर 1 पे है, मैं सीट नंबर 1 पे चला जाता हूँ, और आपको जहाँ से डेटा उठाना है उस सेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे बी कॉलम से मुझे उठानी है डेटा तो मैं बी नंबर सेल पे B5 पे जाके क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। तो अब जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो देखेंगे जो होता है सीट नंबर 2 पे डेटा आ चुका है। अगर आप उस सीट नंबर 1 से डेटा को और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको बार बार सीट नंबर 1 पे जाने की ज़रूरत नहीं है और आप यहीं से बस ड्रैग करके खींच देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे उस सीट में सीट नंबर 1 पे जितनी भी डेटा है सीट 2 में अपने आप आ जाएगी। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं सीट, यहाँ पे देखिए राम, पंकज, दीपक, सोनू, राजू, मोहन ये सब आ रहे हैं। तो आप यहाँ जाएंगे तो सीट नंबर 2 पे देखेंगे राम, पंकज, दीपक, सोनू, राजू ये सारे नाम सीट नंबर 2 में भी आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप जो होता है सीट नंबर 1 पे अगर कोई चेंजेस भी करते हैं दोस्तों तो ये जो सीट नंबर 2 पे ऑटोमेटिक जो होता है चेंज भी होते रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ सीट नंबर 1 पे दीपक की जगह किसी का भी नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने गिरी करके लिख दिया दोस्तों। तो अगर आप देखो सीट नंबर 2 पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी सीट नंबर देखिए 2 पर भी यहाँ पे गिरी नाम आ गया है। अब ये चीज़ मैंने जो था सीट नंबर 2 पे जहाँ जहाँ पे अगर आप कॉपी करते हैं वहाँ वहाँ भी ये चेंज होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे चेंज करते हैं, मान लीजिए ये सीट नंबर 1 के डेटा को मैं उठा करके सीट नंबर 2 के जी कॉलम में रख देता हूँ जैसे इक्वल टू, और मैं यहाँ से उठा करके ये डेटा को यहाँ जी कॉलम में रख दिया है और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे भी वो सारे डेटा आ गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम जो होते हैं यहाँ पे भी कोई चेंजेस करते हैं सीट 1 में, जैसे मैं कोई यहाँ राजू की जगह सोनम लिख देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ देखेंगे सीट नंबर 2 पे जहाँ जहाँ मैंने कॉपी किया था यहाँ भी देखिए सोनम आ गया और यहाँ पे भी सोनम आ गया। ये तो दोस्तों हो गई एक सीट से दूसरे सीट में डेटा को ट्रांसफ़र करना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप एक एक्सेल की फाइल से दूसरी एक्सेल की फाइल में कैसे कॉपी के बिना कॉपी पेस्ट किए डेटा को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक जो होता है सीट यहाँ पे खोल के रखी हुई है, ये वर्कशीट है मेरा जिसमें कुछ डेटा इस तरह से बने हुए हैं। अगर आप यहाँ से कुछ डेटा को उठा करके अपनी दूसरी वर्कशीट में रखना चाहते हैं तो इसके लिए बस आपको वही काम करना है जिस सीट में आपको डेटा को रखना है एक्सेल वो सीट में आपको चले जाना है। जैसे मुझे डेटा अभी सीट नंबर 3 पे रखना है दोस्तों, तो मैं यहाँ से सीट नंबर 3 में जिस सेल पे जिस कॉलम में आपको रखना है उस सेल पे जाके आपको सेलेक्ट कर लेनी है। साथ ही साथ आपको जो डेटा जहाँ पे जिस वर्कबुक में है उस वर्कबुक में चले जाना है और यहाँ पे सिंपली उस पर क्लिक कर देनी है और इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे सीट नंबर जहाँ पे आपने डेटा रखा हुआ था दोस्तों यहाँ पे भी आ चुका है। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे इक्वल टू प्रेस नहीं किया था इसलिए यहाँ पे आया नहीं। इक्वल टू प्रेस करने के बाद अगर आप उस सीट में जा करके वर्कबुक में जा करके उस सेल को सेलेक्ट करते हैं दोस्तों तो ये देखिए ऊपर में पाथ आ रहा है इक्वल टू न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट डॉट XLSX सीट 1 टेबल 3 नेम। जैसे मैं ये दोस्तों यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो देखेंगे आप यहाँ पे जिस सीट में मैं डेटा ले जाना चाहता था वो सीट में फाइल में पहुँच चुकी है।
तो ना, अगर आप इसी तरीके से इसको और भी ज़्यादा डेटा चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, तो आपकी जो प्राइमरी वाली वर्कशीट है दोस्तों, वहाँ वर्क फाइल है, उसमें से सारी डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से आ जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप प्राइमरी वर्क फाइल जहाँ से आपने ये डेटा लिया है उसमें अगर आप, जैसे यहाँ पे मैं 2 नंबर में यहाँ रखा हुआ प्रेम खांडू, और यहाँ मैं कोई चेंजेस कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए तरुण गगोई लिख देता हूँ, और मैं जा करके अपनी जिसमें डेटा को मैंने ट्रांसफ़र किया है वहाँ भी जाकर चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी डेटा ऑटोमेटिक तरीके से चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है एक सीट से दूसरे सीट पे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना विदाउट कॉपी पेस्ट। और साथ ही साथ अगर उस सीट में कोई चेंजेस करते हैं जहाँ से आपने डेटा को उठाया है, चेंज करेंगे तो दोस्तों दूसरी वाली सीट जहाँ पे आपने डेटा को रखा है वहाँ भी ऑटोमेटिक तरीके से डेटा चेंज हो जाएंगे। ये सीट के किसी भी कॉलम में आप रखेंगे डेटा, जहाँ जहाँ कॉपी करके रखेंगे दोस्तों, वहाँ वहाँ चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी शब्दों के साथ विदा होते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।